पर। अच्छा तो आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है जो हर साल 24 मार्च की दिन हम बनाते सेलिब्रेट करते हैं। टीबी बहुत ही कॉमन है, तो मेरा ख्याल से हार्ट डिपार्टमेंट में ही होगा, पल्मोनरी में तो पेशेंट है ही, पल्मोनरी छोड़ते मेडिसिन में भी होगा। टीबी कोई भी ऑर्गेन इन्वॉल्व कर सकता है, तो इसलिए सर्जरी और भी डिपार्टमेंट में, ऑर्थोपेडिक सब में हो सकता है टीबी। अगर एक से दो पेशेंट तो होगा ही, दो पेशेंट तो है ही ऑलरेडी हमारे पास, एक टीबी है और एक ड्रग ससेप्टेबल टीबी, ये छोड़ के भी एक दो पेशेंट और भी हो सकता है। आज चलन है, इसकी बहुत सारी रीज़न है, एक रीज़न है जैसे स्मोकिंग एक रीज़न है, चूल्हा जलाना एक रीज़न है, कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है, मेडिकल कंडीशन जिससे बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाते, जैसा पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज होते हैं, सिलिकोसिस, इस सब में आपको टीबी की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कोरोना के टाइम में ऐसा हुआ जो पेशेंट की डायग्नोस्टिक डिले हुआ, कोरोना में लॉकडाउन हुआ, प्लस कोरोना की डर में पेशेंट ने ठीक टाइम में अपना एग्जामिनेशन नहीं कराया, मेडिकल हेल्प नहीं लिया, तो एक तो डायग्नोस्टिक डिले हुआ। एंड कोरोना की बात टीबी की चांस कोरोना पेशेंट में 10 to 20% ज़्यादा हो जाते हैं, बॉडी इम्यूनिटी कम होने की वजह से, डिफरेंट जैसा स्टेरॉइड यूज़ होते कोरोना में, टोसिलिजुमैब यूज़ होते, इस प्लस बॉडी की जो लिम्फोसाइट काउंट कम हो जाते, तो इसलिए टीबी की संभावना ज़्यादा हो जाती। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कोई भी कोरोना पेशेंट को अगर परसिस्टेंट काफ हो रहा है तो हम उनको टीबी की भी टेस्ट करना चाहिए। सरकार की देखिए जब अवार्ड मिलते हैं वो आउटकम होता है हार्ड वर्क है एंड टीम वर्क है, तो दैट क्लियरली सेज दैट पूरा टीम स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रास रूट लेवल टू टॉप लेवल विथ एम्पल विथ पॉलिटिकल सपोर्ट, कंटिन्यूअस पॉलिटिकल सपोर्ट, तभी ये पॉसिबल हुआ।